तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसमें एक पहाड़ जैसे विशाल जीव के बारे में दिखाया गया है और साथ ही उस पहाड़ जैसे जीव से जुड़ी एडवेंचर को भी जानेंगे। यह मूवी 2022 में बनी है और इसे IMDb की रेटिंग 10 में से 5.8 मिली है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी के फर्स्ट सीन की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहले पहुँचता रहे। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ एक लड़की माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है और उस लड़की का नाम नोरा होता है और अपने पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करने आई होती है। फिर देखते हैं दोनों पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर बातें कर रहे होते हैं। तभी नोरा के पिता उन पहाड़ियों का नाम बताते हैं और कहते हैं इन पहाड़ियों का नाम है ट्रूल, और नोरा से उन पहाड़ियों का एक कहानी भी सुनाते हैं। फिर नोरा कहती है कि यह सिर्फ एक कहानियाँ हैं। इस पर नोरा के पिता कहते हैं कि अगर तुम अपनी मन की आंखों से उनको देखोगी तो तुम्हें जरूर दिखाई देंगे। दरअसल नोरा के पिता उन कहानियों के बारे में बताते हैं जिसमें पत्थर के बड़े राक्षस होते थे जिनका अंधेरा दोस्त होता था और सुबह यानी सूरज की किरणें दुश्मन। फिर अगला सीन देखते हैं जहां नोरा अब बड़ी हो चुकी है और वह एक मिथोलॉजी की प्रोफेसर बन चुकी है। वह एक जगह पर खुदाई कर रही होती है जहां उसे एक बड़े जानवर का कंकाल मिलता है। फिर अगला सीन देखते हैं जहां बहुत से लोग पहाड़ को ना तोड़ने और उसे बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जहां की सरकार पहाड़ियों को खुदाई करवाते रहती है। फिर देखते हैं वहां कुछ हलचल होता है और तभी देखते हैं वहां का टनल टूटकर गिरने लगते हैं। फिर ओस्लो शहर का सीन दिखाया जाता है और साथ में मिलिट्री हेडक्वार्टर का भी सीन दिखाया जाता है। वहाँ के जवान को पता चलता है कि किसी डोबरा नाम के पहाड़ी इलाके में भूकंप जैसी हलचल पता चला है, तो वे लोग तुरंत अपने कैप्टन जनरल को कहते हैं और उस जगह पर दो जेट भेजते हैं। फिर देखते हैं कि ओस्लो के प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है और फिर उन्हें वह सारी जानकारी का पता चलता है और इस मामले में वह रक्षा मंत्री से बात कर रही होती है और वहाँ के कुछ फुटेज भी देखती है। और वहाँ की मामला समझने के लिए प्राइम मिनिस्टर किसी एक्सपीरियंस्ड मेथोलॉजिस्ट को बुलाकर वहाँ भेजने को कहती है। अगला सीन देखते हैं जहां नोरा अपने सफलता का जश्न मना रही होती है। फिर वहां हेलीकॉप्टर से तीन जवान पहुंचते हैं और नोरा को कहते हैं कि उसे ओस्लो चलना पड़ेगा क्योंकि यह देश का सुरक्षा का सवाल है। नोरा किसी एक मिलिट्री बेसमेंट में पहुंचती है और वहां एक आदमी से मिलती है जिसका नाम एंड्रियाज होता है। वह प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र होता है। एंड्रियाज उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ पर सारे ऊँचे दर्जे के सरकारी ऑफिसर होते हैं और वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होती है। फिर वह सभी उस घटना के बारे में डिस्कस करते हैं जो डोबरा की पहाड़ी पर हुआ था। फिर नोरा कहती है कि किसी को यह फुटप्रिंट जैसा नहीं लग रहा क्या। तभी वहाँ के ऑफिसर नोरा का मजाक उड़ाते हैं। फिर एक लेडी ऑफिसर आती है जिसका नाम सीग्रेड होता है। वह एक स्क्रीन पर फुटेज दिखाती है। यह वही फुटेज होता है जहाँ पर लोग पहाड़ को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और उस फुटेज में पता चलता है कि वहाँ एक बड़ा पहाड़ी जैसा जीव होता है। अगला सीन देखते हैं जहाँ दो बुजुर्ग कपल ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उनका टेबल और घर हिलने लगता है और वह जल्दी से अंडरग्राउंड वाले रूम में चले जाते हैं। फिर जब वह निकलते हैं तो दिखाया जाता है कि उनका घर उजड़ा पड़ा है। आगे देखते हैं नोरा और एंड्रियाज उन बुजुर्गों के घर पहुंचती है, मगर उससे पहले वह दोनों एक मिलिट्री कैप्टन से मिलते हैं जिसका नाम क्रिस होता है। फिर नोरा उन दोनों बुजुर्ग से कुछ पूछताछ करती है जिस पर वह बोलते हैं कि मानो कोई पहाड़ चल रहा हो और कोई रोने का आवाज़ आ रहा हो और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। फिर नोरा घर की छानबीन करती है। फिर देखते हैं कि नोरा एक बड़े पाँव के निशान में जाती है और वहाँ कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, मगर वहाँ कुछ उसे कुछ नहीं मिलता। नोरा और एंड्रियाज कैप्टन क्रिस के साथ हेलीकॉप्टर से उस निशान का पीछा करती है, मगर उन्हें कुछ अभी तक नहीं मिल पाता। फिर नोरा कहती है कि हमें किसी और से मिलना होगा। फिर अगले सीन में देखते हैं जहां पहाड़ियां और खुले मैदान के बीच एक घर होता है। फिर देखते हैं कि उस घर में से एक बूढ़ा निकलता है जो एक गन के साथ होता है और कहता है कि मैं यहीं रहूँगा। तभी नोरा उस बूढ़े से कहती है कि हम आपको नहीं लेने आए हैं पापा। दरअसल वह बूढ़ा नोरा का पिता होता है। आगे देखते हैं नोरा एंड्रियाज और कैप्टन क्रिस घर के अंदर जाते हैं। फिर नोरा के पिता आते हैं और कुछ अतीत की कहानियाँ सुनाते हैं। तभी नोरा कहती है कि आपकी कहानी के जैसा ही कुछ आज भी धरती से निकला है, और फिर वह फुटेज दिखाती है जो डोबरा की पहाड़ियों पर घटी होती है। फिर नोरा के पिता कहते हैं कि कैसे हजारों साल पहले नॉर्वे की पहाड़ियों पर ट्रोल खुलेआम घुमा करते थे, मगर नोरा इस बात को मनगढ़ंत कहानी बताती है और उन दोनों के बीच कुछ बहस भी हो जाती है। फिर अगला सीन देखते हैं जहाँ नोरा और नोरा के पिता एंड्रियाज और कैप्टन क्रिस उस बड़े पाँव के आखिरी निशान के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर नोरा के पिता कुछ जांच पड़ताल करते हैं और कहते हैं कि उस ट्रोल को यहीं होना चाहिए। फिर नोरा को एक गन महसूस होती है और अपने पिता से कहती है कि उसे कुछ गन महसूस हुआ है जो हाइपर नेचर के जैसा है। तभी नोरा को ट्रोल का आंख दिखता है और फिर वह ट्रोल अपनी जगह से उठता है, जिसे देखकर नोरा और उसके पिता वहां से भागते हैं और हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाते हैं और किसी तरह अपना जान बचाते हैं। फिर ट्रोल की लाइव फुटेज को मिलिट्री हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है, जिसे देखकर PM और वहां जितने भी लोग होते हैं सभी देखकर दंग हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि नोरा और उसके पिता हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, मगर नोरा अपने पिता से हेडक्वार्टर में ट्रोल शब्द का यूज़ ना करने को कहती है। मगर अगला सीन ट्रोल शब्द पे ही स्टार्ट होता है और नोरा के पिता रक्षा मंत्री से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उस जीव का नाम ट्रोल है
और उस रक्षा मंत्री को और भी खरी खोटी सुना देते हैं। मगर वहाँ के मिलिट्री नोरा के पिता को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री नोरा से कहती है कि अब यह समस्या का हल मिलिट्री करेगी। फिर देखते हैं कैप्टन क्रिस ट्रोल को मारने के लिए तैयारी कर रहा होता है और फिर नोरा वहाँ आती है और कैप्टन क्रिस को अपने साथ ले चलने को कहती है, मगर कैप्टन नहीं मानता। पर नोरा क्रिस को किसी तरह मना लेती है और फिर नोरा के पिता और नेडियास तीनों कैप्टन के साथ चल पड़ते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि मिलिट्री अपनी सारी तैयारी करके लाइव फुटेज हेडक्वार्टर को भेजती है और अपनी सारा हथियार रेडी करके उस ट्रोल का इंतजार करते रहती है। और थोड़ी ही समय के बाद वह ट्रोल वहाँ पहुँचता है और रुक जाता है। इधर कैप्टन हमला करने की परमिशन मांगता है और उसे परमिशन मिलता है। तभी मिलिट्री ट्रोल पर हमला कर देते हैं मगर ट्रोल को एक खरोंच तक नहीं आती और फिर एक के बाद कई हमले करते हैं मगर ट्रोल का कुछ बाल भी बाका नहीं होता। फिर ट्रोल मिलिट्री पर हावी हो जाता है जिसे देखकर सभी भागने लगते हैं और छुप जाते हैं। तभी मिलिट्री का एक जवान घायल हो जाता है और उसका खून निकलने लगता है। तभी ट्रोल को खून का गंध महसूस हो जाता है पर वहाँ पर मौजूद नोरा के पिता समझ जाते हैं कि ट्रोल उस जवान को अब मार डालेगा और फिर देखते हैं कि ट्रोल उस जवान को सीधे अपने मुँह में डाल लेता है। आगे देखते हैं नोरा एंड्रियास और कैप्टन वहाँ से भाग रहे होते हैं मगर नोरा के पिता वहीं पर रुककर ट्रोल को आवाज़ दे रहे होते हैं जिसे ट्रोल शांत हो जाए और उस आवाज़ को ट्रोल शांत भी हो जाता है। मगर मिलिट्री वालों ने फिर से ट्रोल पर हमला कर देते हैं जिसे ट्रोल का पैर अनजाने में नोरा के पिता को लग जाता है जिससे नोरा के पिता की अधमरी सी हालत हो जाती है। फिर नोरा के पिता नोरा से मरते मरते कुछ रॉयल पैलेस राजा और विश्वास जैसे शब्द कहकर अपना प्राण तोड़ देते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं कि नोरा अपनी और अपने पिता की तस्वीर देख रही होती है और वो वहीं सो जाती है। अगली सुबह होती है जहां एंड्रियास और कैप्टन नोरा से मिलने आते हैं और उसे चाय देते हैं और कुछ बातें करते हैं। इस बीच नोरा को एक किताब के जरिए ट्रोल के बारे में पता चलता है तो यह सब बात वह मिलिट्री जनरल को बताती है और साथ में पीएम को भी। अगला सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग एक पार्क में आए होते हैं और अपने आनंद का मजा ले रहे होते हैं मगर थोड़ी देर बाद वहाँ ट्रोल पहुँचता है जिसे देखकर लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मिलिट्री वाले हेलीकॉप्टर में घंटा बांधकर ट्रोल को वहाँ से दूर करने की कोशिश करते हैं। ट्रोल को उस घंटे को सुनने में तकलीफ हो रही होती है जिसे वह तंग आकर मिलिट्री पर हमला कर देता है। इस हमले के बीच एक छोटी सी बच्ची ट्रोल को देख रही होती है। ट्रोल द्वारा तबाह किया गया हेलीकॉप्टर उस बच्ची पर गिरने वाला ही होता है कि ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उस बच्ची को बचा लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यह ट्रोल का दृश्य जो अब तक सरकार लोगों से छुपा रही होती है अब वह पूरी तरह वायरल हो चुकी होती है। अगला क्लिप देखते हैं जहाँ नोरा और पीएम बातें कर रहे होते हैं। नोरा बोलती है कि अगर हम जान लें कि ट्रोल उस दिशा में क्यों जा रहा है और हम उसे किसी तरह रोकने में कामयाब हो जाए तो इसे हम उसे मार सकते हैं। इस पर पीएम बोलती है कि वह एक दरिंदा है और उसे सिर्फ हथियार से ही रोका जा सकता है। फिर नोरा वहां से चली जाती है। आगे देखते हैं पीएम रक्षा मंत्री और मिलिट्री जनरल ट्रोल पर मिसाइल से हमला करने की बात कर रहे होते हैं और फिर पीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे ओस्लो के लोगों को शहर खाली करने को कहती है ताकि ट्रोल को रोका जा सके। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ नोरा और एंड्रियास गाड़ी पर बैठे होते हैं और नोरा एक किताब उलट रही होती है। तभी एंड्रियास को नोरा की किताब में एक शब्द दिखाई पड़ता है जिसमें लिखा होता है सिडनी। यह देखकर एंड्रियास बोलता है कि मुझे रिकॉर्ड सिडनी का याद आ गया। दरअसल यह रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर होता है। फिर नोरा कुछ सोचती है और एंड्रियास को गाड़ी रॉयल पैलेस की तरफ ले जाने को कहती है। फिर दोनों रॉयल पैलेस जाते हैं मगर वहाँ रॉयल पैलेस के गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। फिर वहाँ सिडनी आता है जो एक बुजुर्ग होता है और नोरा के पिता का पुराना दोस्त भी होता है। फिर सिडनी नोरा और एंड्रियास को टनल में ले जाता है जहाँ पता चलता है वहाँ सिर्फ ट्रोल की फैमिली का कंकाल होता है जो पहले उनका घर हुआ करता था मगर उनको मार दिया गया क्योंकि यह ट्रोल नए धर्म को स्थापित होने में अड़चन पैदा कर रहा था। फिर सिडनी बोलता है कि ट्रोल के एक बच्चे को छोड़ दिया गया था और उन्हें अंधेरे में दबा दिया गया ताकि वह मर जाए। फिर नोरा एक टॉर्च से ट्रोल की कंकाल को चेक करती है मगर उसे पता चलता कि वह टॉर्च की रोशनी में जलने लगते हैं। फिर नोरा को अपने पिता के बात याद आ जाती है और कहती है कि मेरे पिता इन ट्रोल के बारे में सही कहते थे। फिर नोरा को एक आइडिया आता है और वह कैप्टन क्रिस को फ़ोन करती है और कहती है कि ट्रोल को शहर से बाहर ले जाना होगा और कुछ अल्ट्रावायलेट रे का जुगाड़ करना भी होगा, वो भी बड़ी मात्रा में। इधर मिलिट्री ट्रोल पर हमला कर देते हैं पर ट्रोल का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर वहाँ की पीएम न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का फैसला करती है और पूरे ओस्लो शहर को उड़ाने का फैसला भी करती है। फिर यह बातें एंड्रियास और नोरा को पता चलता है सिगरेट के जरिए जिस पर नोरा और भी वक्त मांगती है और फिर एंड्रियास सिगरेट को सिस्टम को हैक करने के लिए कहती है और फिर सिगरेट सिस्टम को हैक करने के लिए मान जाती है। आगे देखते हैं कि नोरा एक गाड़ी पर ट्रोल के एक फैमिली का कंकाल डालकर ट्रोल को दिखाती है। फिर ट्रोल नोरा की गाड़ी का पीछा करता है और नोरा ट्रोल को शहर से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाती है जहाँ कैप्टन क्रिस अल्ट्रावायलेट रे के साथ तैयार होता है। मगर ओस्लो की सरकार ट्रोल पर मिसाइल से हमला करवाती है मगर सिगरेट के हैकिंग के वजह से हमला टल जाता है जिससे नोरा और कैप्टन क्रिस की टीम को और भी वक्त मिल जाता है। आगे देखते हैं कि आखिरकार ट्रोल उस जगह पर पहुंच जाता है जहां कैप्टन क्रिस अल्ट्रावायलेट के साथ तैयार होता है
और उस पर अल्ट्रा वायलेट रे चला देता है, जिससे ट्रोल पर उस अल्ट्रा वायलेट का असर होने लगता है और वह तकलीफ में होता है। मगर यह सब नोरा को ठीक नहीं लग रहा होता, तो वह उस लाइट को ऑफ कर देती है। फिर नोरा ट्रोल को वापस लौट जाने को कहती है, मगर ट्रोल की बदकिस्मती कि ठीक तुरंत बाद सुबह होती है, जिसमें सूरज की किरणें सीधे ट्रोल पर पड़ती है, जिससे वह ट्रोल वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। फिर सभी को राहत की सांस आती है, मगर ट्रोल की मौत से नोरा भावुक हो जाती है। फिर वहाँ की सरकार वहाँ पहुँचती है और फिर यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और भी एक्सप्लेनेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड नाइट, जय हिंद।